हाँ तो दोस्तों नमस्कार, आज अपन लाए हैं कार्की ट्यूटोरियल से ऑनलाइन क्लासेज में समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में ये सवाल दे रखा है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, और समांतर श्रेणी का व्यापक रूप का सूत्र होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अब इस व्यापक रूप में जैसे पहला पद है कहलाता है ए, पहला पद ए। दूसरा पद कहलाता है ए प्लस डी। तीसरा पद कहलाता है ए प्लस 2 डी। इसी तरह तीसरा पद, चौथा पद कहलाता है ए प्लस 3 डी। पांचवा पद कहलाता है ए प्लस 3 डी। पांचवा पद कहलाता है ए प्लस 4 डी, और ये श्रेणी इसी तरह बढ़ती हुई जाती है। तो ये कहलाता है दोस्तों समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अब अपन को ये सवाल करना है, तो समांतर श्रेणी में दिया हुआ है समांतर श्रेणी का तीसरा पद, यानी कि तीसरा पद, तो तीसरा पद बराबर इस व्यापक रूप में अपन देख रहे हैं ए प्लस 2 डी है, और ए प्लस 2 डी बराबर 16 होगा, और ये कहलाएगी समीकरण नंबर 1। तो ये तीसरा पद यानी कि ये ए प्लस 2 डी बराबर 16, ये समीकरण नंबर 1 कहलाएगी। इसी के बाद दूसरा प्रतिबंध दे रखा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो यानी कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अगर पांचवें पद में 12 को जोड़ दिया जाए तो सातवां पद के बराबर होना चाहिए, तो यानी कि दूसरे प्रतिबंध से अपन सातवें पद के बराबर करेंगे, पांचवें पद में 12 जोड़ करके लिखेंगे। तो जैसे सातवां पद कहलाएगा इसी व्यापक रूप में, सातवां पद कहलाएगा ए प्लस 6 डी, और ये ए प्लस 6 डी बराबर पांचवें पद से 12 अधिक है, तो पांचवें पद को लिखेंगे ए प्लस 4 डी, और उसमें 12 जोड़ देंगे, तो यानी कि ये ए प्लस 4 डी और ये प्लस 12। अब ये समीकरण कहलाएगी, और इसी को अपन हल करके डी का मान निकालेंगे। तो जैसे इन दोनों पदों को, सजातीय पदों को एक तरफ करते हैं समीकरण में, तो इन दोनों पदों को उस तरफ ले जाएंगे तो ये ए बी माइनस का होगा, और ये इधर ए प्लस का है, तो ए से ए यहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा, और 6d इधर प्लस का है, ये 4d को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये 6d माइनस 4d बराबर 12। अच्छा, 6d में से 4d को घटाएंगे, 2d बचेंगे, और 2d बराबर 12, ये 2d बराबर 12 लिखेंगे, और ये d 2 का फिर पक्षांतरण करेंगे तो ये बटे में जाएगा, और ये d बराबर 12/2, और ये 12 2 से कट जाएंगे 6 बार। अच्छा, अब इस d का मान समीकरण 1 में रखेंगे और a का मान निकालेंगे, तो यानी कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर ये d का मान समीकरण एक में रखने पर। अच्छा, ये डी का मान इस समीकरण एक में रखेंगे तो ए प्लस 2 × 6 होगा, और ये बराबर 16 होगा, ये ए प्लस 2 × 6
बराबर 16। अच्छा, 2 को 6 से गुणा करेंगे 12 हो जाएंगे, और 12 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा यानी कि ये a बराबर 16 माइनस 12, और ये a बराबर 16 में से 12 को घटाएंगे 4 बचेंगे, और ये a बराबर 4। अच्छा, तो अब a और d का मान आ गया है। a और d का मान इस व्यापक रूप में रखेंगे और समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे। तो यानी कि a का मान व d का मान समांतर श्रेणी के व्यापक रूप में रखने पर लिखेंगे a व d का मान, a व d का मान समांतर श्रेणी के व्यापक रूप में रखने पर। अच्छा, तो समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है इसमें रखेंगे, तो जैसे a की जगह a का मान लिखेंगे तो पहला पद तो आ जाएगा ये 4, पहला पद 4, दूसरे पद में भी मान रखेंगे तो a की जगह ये 4, और ये प्लस d का मान 6 लिखेंगे, दूसरे पद में 4 प्लस 6 दोनों को जोड़ेंगे, इसी तरह तीसरे पद में लिखेंगे a की जगह ये 4 प्लस 2 इंटू 6, इसी तरह चौथे पद में लिखेंगे a की जगह 4 प्लस 3 इंटू 6, और इसी तरह ये आगे तक जाएगी और इनको सरल करके लिखेंगे, तो जैसे ये चार समांतर श्रेणी बराबर कहलाएगी, समांतर श्रेणी बराबर 4, 6 और 4 दोनों जुड़ेंगे 10 हो जाएंगे, ये 10। इसी तरह 2 को 6 से गुणा करेंगे 12 हो जाएंगे, 12 और 4 दोनों जोड़ेंगे तो यानी कि 12 और 4 16, ये 16 हो जाएंगे। इसी तरह 4 प्लस 3 6 18 होते हैं, और 18 में 4 को जोड़ेंगे तो ये 22 हो जाएंगे, और इसी तरह ये आगे तक जाएगी और यही अपनी समांतर श्रेणी कहलाएगी, यही इसका आंसर कहलाएगा। तो दोस्तों, नमस्कार।